हेलो मैड गैंग, कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका मैड फॉर फन के इस नए वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं मीम ओरिजिन क्विज। बेसिकली ये गेम ऐसा होने वाला है कि मीम्स के कुछ टेम्पलेट्स है, वो तीन टीम्स होंगे, आज उन्हें मैं दिखाऊंगा और फिर उनको गेस करके बताना है ये मीम का ओरिजिन कहां से है। तो हमारी पहली टीम जो है वो है अपर्णा और सत्यम की। तो तुम्हारी टीम का नाम क्या है? हमारी दूसरी टीम जो है वो है शर्जिल और रोहिणी की। तो तुम्हारी टीम का नाम क्या है? कभी कभी लगता है अपुनिस भगवान है, ये नाम ही। और हमारी तीसरी और आखिरी टीम है शुभांशु और अंकिता की। तुम्हारी टीम का नाम क्या है? हमसे ना हो पाएगा। तो रहन दो फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मीम क्विज को। मीम जो था ये किस कंट्री से? वो लोग देख के जानना पड़ेगा। नहीं, मुझे पता है एक्चुअली। वो मरने के बाद लेके जाते हैं। अफ्रीका में एक बैंड है जो कि चार लोग हैं जो किसी के मरने के बाद उनको एक ग्रैंड सैल्यूट देते हैं नाचते हुए। नाइजीरिया। ब्राजीलियन, देख के तो ब्राजील के लग रहे वैसे तो। नाइजीरिया। ऐसे कुछ लोग गोरखपुर में भी है देखा मैंने। आई थिंक घाना कंट्री का नाम क्योंकि पढ़ा था मैंने। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं है। जमैका। नाइजीरिया। पीछे के लोग देखते हैं भाई। घाना डांस मुझे नहीं पता है तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी। उषा सा घाना। नहीं घाना कंट्री डांस है गाइस। ये घाना कंट्री से एन से नाम है क्या कुछ? नाइजीरिया। नाइजीरियन तो निगा। निगा वो क्या इंडिया के आसपास कहीं है सर? इंडिया के आसपास इतने काले नहीं होते। नागालैंड है ब्रो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जिनेवा। 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 नाइजीरिया। ठीक है आंसर देते भाई। नाइजीरिया। घाना। घाना भाई ये कौन बताया होगा? तो कैसे बोलना था ना जिसे बाकी टीम। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। सो तू कैसे बता दिया? ये किस कंट्री से? पाकिस्तान। पाकिस्तान। इंडिया से है, गोरखपुर से है। 2015 की बात है ये। अच्छा। ओके। ये गाली दे रही है। पाकिस्तान। बांग्लादेशी भी लग रही है मेरे को। अबे साले। और क्या बोली थी वो भी बताओ फिर। ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। ऐसे बोली थी ना? तो ये इंडिया से, ये मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ। पाकिस्तानी लग रहा था कि वो देख के वो जो था ना वो सीन जब याद आया ना तब वो मतलब पाकिस्तान का ही लग रहा है। इंडिया हो सकता है? पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान से नहीं है लिटरली, वो लड़का मैं ही हूँ पीछे जो है। ओके तो ये जो है मीम वो है पाकिस्तान का। करेक्ट। हाँ पाकिस्तान करेक्ट आंसर। वाह मतलब बोल ही रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान करेक्ट आंसर। वो एक बार बीच में आए थे वैसे गोरखपुर। अरे तू जा रही। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मीम टेम्पलेट है इसके बाद एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी। डॉज कुत्ता है और डॉगो इसका नाम है। डोजी नाम है। डॉगेश्वर। डॉज कॉइन। बहुत पैसे डुबाए मैंने, मत खरीदा। ये बहुत पास वाला मीम है मेरे, ये मैं रोज सेंड करती हूँ। डॉगे डोजी। डोजी मतलब वही डॉग या डोजी, स्पेलिंग है डी ओ जी ई। डॉज कॉइन। डॉग कॉइन ऐसा ही था। ये किस मूवी का मीम टेम्पलेट है? ये वो है मुझे लग रहा है। बोल क्या है? फूल और कांटे। चोरों क्योंकि मैं श्योर नहीं, मैंने देखा नहीं थी पुराने पिक्चर, मुझे पता है याद ही देखा ना। फूल और कांटे। और कहीं तो इसको विमल का ऐड भी ना है और कुछ और कांटे। फूल और कांटे। आंखें क्योंकि इसने चश्मा लगाया है। आंखें नहीं, ये है ही नहीं, गोविंदा है उसका। कांटे और फूल। चल फूल और कांटे। तो इसका आंसर है विजय पद, मूवी का नाम है। मेरे को मूवीज का नाम बताओ। जैसे उनके दिल जले दिल वाले। भाई दूसरा आंसर दे देता हूँ मैं, जोरू का गुलाम हो सकता है भाई। नहीं उसका कैरेक्टर के नाम क्या रहते हैं? अजय। अजय नहीं होता क्या? विजय। विजय ये अभी आया था। शिवाय। शिवाय में हीरो। लास्ट 10 सेकंड। टार्जन द वंडर कार। टार्जन कार। ओके टाइम अप। तो मूवी का नाम था विजय पद। मैं बोल रहा था विजय। मैं बोल रहा था। मैं बोल रहा था क्या बोल रहा था ना फिर? नेक्स्ट मीम टेम्पलेट, ये जो पर्सन है ये किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? ये जो बंदा है ये सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान।
पाकिस्तान को पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तानी फील्डर ने कैच छोड़ा था एंड देन उनका रिएक्शन था ये तो और पाकिस्तान खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पाकिस्तान से ये पता है तो पाकिस्तान को ही करेगा ना और किसी प्लेयर ने कैच ड्रॉप कर दिया तो ये ऐसे देख रहा था मैच याद है पाकिस्तान का था अगेंस्ट में कौन था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया थी इसका नाम शरीक कुछ तो है फाइनल आंसर पाकिस्तान करेक्ट आंसर हमारे टीम में सबसे वेला पर्सन सत्यम है आपको दिखेगा जो शर्जील है ना वो ज्यादा वेला है वो सब आंसर ना ऐसे दे देगा ऐसे क्योंकि वो मीमर है मीमर है गाइस वो नहीं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो गाना था वो किस आर्टिस्ट ने रिमिक्स किया था एक लाइन गाना पड़ेगा तोड्डा कुत्ता टॉमी सड्डा कुत्ता कुत्ता तुझे पता है वही होगा क्या जो वही है मनोज मोरे नहीं अच्छा हाँ इसका आंसर हो यश मुखाटे ये मेरा दोस्त है मत नहीं बताएंगे हम लोग यशराज मुखाटे यशराज मुखाटे नेक्स्ट मीम टेम्पलेट की ओर बढ़ते हुए ये जो डिलीवरी गाय है वो किस डिलीवरी पार्टनर के लिए काम कर रहा था लॉकडाउन में बहुत फेमस हुआ था ये इतना आरामी बंदा है ये स्विगी जोमेटो सब है छोड़ो वो करो ना जूम आउट करो फोटो तो इसका आंसर है जोमेटो वो जोमेटो के लिए काम कर रहा है जोमेटो बट या Zomato, it's the right answer, right? 9000 उसका पेमेंट था और उसको जो इंसेंटिव मिलता था उससे वो बहुत खुश था ठीक है Zomato. एक डायलॉग था इनका जब कैमरामैन पास आता है हमारी तरफ क्यों आ रहे हो हटा कैमरा मुंह से चल निकल ओके तो लास्ट क्वेश्चन इस नोट पे एक सेंटेंस लिखे ये वायरल हुआ था ये कुछ फाइनेंस मीम है ये 10 रुपए का नोट है ऐसा कुछ तो था कोई किसी को मैसेज टाइप कुछ था वो मतलब जैसे कि मिसिंग और समथिंग लाइक दैट अरे वो लिखा था ना फोन नंबर अरे वो बेवफा है अभी अच्छा सोनम गुप्ता बेवफा है एंड दैट्स अ फैक्ट लॉट ऑफ सोनम आई लव यू और नाम ऐसा कुछ तो रहेगा किसी का नाम था ऐसे लग रहा है लेकिन मुझे रिंकिया के पापा बेवफा है सोनल वापिस आ जाओ सोनल आई एम मिसिंग यू सोनल आ जा बट ठीक है द राइट आंसर इज सोनम गुप्ता बेवफा है सोनम प्लीज लौटा सोनम लौट आ जाओ वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा कौन है ये सोनम गुप्ता प्लीज इस पॉलिसी सूरत को देखकर लौट आओ देखो कितना पतला हो गया ये सोनम कम बैक साइमन गो बैक ओके तो ये सेंटेंस था कि सोनम गुप्ता बेवफा है बेवफा अच्छा गावा सोनम गुप्ता बेवफा है तो आज के क्विज के विनर है टीम टीम मिरेकल तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे आज और अभी नए आए हो तो और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइलिंग बी हैप्पी एंड बी मैड फॉर फन मुझे लगता है तुझे जॉब छोड़ देना चाहिए मैं छोड़ ही दिया हूँ मैं राइटिंग करता हूँ ये मीम क्या होता है बच्चे बनाते हैं हमने तो पहले ही बोला था ना हमारी टीम का नाम क्या था हमसे नहीं हो पाएगा नहीं हुआ।